हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है तुम लोगों की एक और नए वीडियो में। आज मैं सोलो लेवलिंग एनिमे सीरीज के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले दो एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जो तुम लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। और आज के एपिसोड में जो जो राज खुलने वाला है, वो देखने के बाद तुम लोगों की दिमाग चौंधिया जाने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो की एंड तक जरूर से बने रहना, और ज्यादा बकवास ना करते हुए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि वही डेंजर में जहां पर हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि सांग को बहुत सारे मूर्तियां मिलकर बहुत ही बुरी तरीके से कुत्तों की तरह मार रहा होता है। और मारते मारते एक मूर्ति सांग को उठाकर बीच में रखा हुआ पिलर के अंदर पटक देता है, और वो मूर्ति अपनी तलवार उठाकर सांग को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी सांग अपने ही मन में बोलता है कि अगर मुझे एक और लास्ट चांस मिल जाता तो। और तभी उसके सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाता है, बिल्कुल गेम की तरह। और अचानक दूसरे ही पल हम देखते हैं कि सांग एक हॉस्पिटल में एक बेड के ऊपर लेटा हुआ है, और उसकी नींद अचानक से टूट जाती है। और वो आसपास देखता है, और उसे ये पता चलता है कि वो एक हॉस्पिटल में है। और वो अपनी कंबल हटाकर देखता है कि उसके पैर भी बिल्कुल सही सलामत है। तो ये सब कुछ देखने के बाद सांग को ये लग रहा होता है कि उसने अब तक जो सब कुछ देखा है वो सब एक सपना है। लेकिन तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, और वो देखता है कि दो हीरो एकेडमी की बंदे उसके रूम के अंदर घुस आता है। तो यहाँ पर हमें एक इंट्रो दिखाया जाता है, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल के रूम के अंदर बैठकर ही आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर सांग अपनी टीममेट्स के बारे में पूछता है। तो इसके जवाब में वो दो बंदे बोलते हैं कि तुम्हारा जो कैप्टन था वो अपनी एक आर्म खो चुका है, और जिस वजह से वो रिटायरमेंट ले चुका है, और जोई इस हादसे की वजह से बहुत ही ज्यादा सदमे में चली गई है, और वो युद्ध करने की हालत में नहीं है। और बाकी जितने भी हंटर्स थे वो लोग जैसे तैसे करके उस डेंजन से भाग चुके थे। लेकिन जब हम लोग वहां पर पहुंचे तब हम लोगों को सिर्फ तुम दिखे, और वो भी बहुत ही बुरी हालत में। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुम्हारी बॉडी में एक भी खरोच नहीं थे, और उसके बाद तुम्हें यहां पर लाया गया था, यानी कि हॉस्पिटल में। और वो लोग ये भी बोलते हैं कि हंटर एकेडमी को ये लग रहा है तुम्हें दोबारा से एक चांस मिला है, यानी कि न्यू अर्किंग, और इस वजह से तुम्हारा रैंक भी बढ़ सकता है, जैसे कि एस रैंक भी हो सकता है या फिर ए रैंक। जो सुनने के बाद सांग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जो देखकर वो दो बंदे अपने बैग से एक पत्थर टाइप का कुछ चीज निकालता है, और सांग को उस पत्थर के ऊपर अपने हाथ रखने की बोलता है। तो जब सांग अपने हाथ वहां पर रखता है तब वो लोग ये नोटिस करते हैं कि सांग के अंदर तो बिल्कुल कोई भी हंटर जैसी पावर नहीं है, बल्कि वो लोग ये नोटिस करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर जितना ऑरा रहता है उससे भी कम ऑरा यानी कि एनर्जी इसके अंदर है, जो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हताश होते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। तो ये बात सुनने के बाद सांग भी बहुत ज्यादा हताश हो जाता है, और वो अपनी बेड पे लेट जाता है। और जब भी वो लेटता है तब हम लोग देखते हैं कि उसके सामने एक पॉपअप विंडो पहले से ही खुला हुआ है, और उस पॉपअप विंडो में एक मैसेज आया हुआ होता है। और वो ये सोचता है कि इस पॉपअप विंडो को कोई क्यों नहीं देख रहा है, शायद इस पॉपअप विंडो को सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। और वो उस विंडो में लिखा हुआ अनरीड मैसेज को खोलने की कोशिश करता है, और वो भी टैप करके, यानी कि वो स्क्रीन टच मोबाइल समझ रहा था इसको। तो जो भी हो, जैसे ही वो उस विंडो को टच करता है तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही डरावना फ्लैशबैक आ जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसके पास एक ही ऑप्शन है बचने के लिए, और उसकी हार्ट बीट बंद होने वाला है सिर्फ 0.02 सेकंड में। और वो ये सोचता है कि ऐसे ही एक विंडो मरने से पहले मुझे दिखा था। और वो ये सब कुछ सोच रहा था कि तभी गेट खोलकर जीना यानी कि उसकी बहन गेट के अंदर आ जाती है, और आने के साथ ही सांग को बहुत ही बुरी तरीके से डांटने लगती है। सभी लोग जब सही सलामत बाहर निकला है तो तुम्हें इतना ज्यादा चोट कैसे लग सकता है, और वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से उसको डांट रहा होता है। तो सांग उसकी डांट सुनकर बोलता है कि आई एम सॉरी मुझे माफ कर, अगर से ऐसा नहीं होगा वगैरह वगैरह ये सब कुछ। तो अब वो जीना को अपने सामने खुला हुआ पॉपअप विंडो को दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम इस विंडो को देख सकती हो। तो जीना बोलती है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो सांग अपनी बात को घुमाते हुए बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। तो अब सांग जीना को गेम्स के बारे में पूछने लगता है, और वो पूछता है कि गेम्स के अंदर क्या क्या करना पड़ता है। तो जीना बोलती है कि गेम्स के अंदर बेसिकली मैसेज वगैरह खोलना पड़ता है। तो जब सांग ओपन मैसेज कहता है तभी उसके सामने पड़ा हुआ पॉपअप विंडो में से वो मैसेज वाला टैब खुल जाता है, और वो देखता है कि उसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है, जहां पर वो देखता है कि उस मैसेज में एक डेली क्वेस्ट आया हुआ है। अब वो धीरे धीरे करके ढेर सारे पॉपअप विंडोज को खोल देता है, और एक एक करके सभी पॉपअप विंडोज देखने लगता है,
जहाँ पर उसे ये बताया गया था कि अगर तुम डेली क्वेस्ट पूरा करते हो तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर तुम ये डेली क्वेस्ट पूरा नहीं करते तो तुम्हें पनिशमेंट, बराबर पनिशमेंट दिया जाएगा। और डेली क्वेस्ट में आया हुआ था एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्वेस्ट, और वो उस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्वेस्ट को खोलता है जहाँ पर उसे 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स एंड 10 किलोमीटर्स दौड़ने के लिए कहा गया था। और वहाँ पर एक टाइम लिमिट के साथ ये भी कहा गया था कि अगर तुम इस डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं करते तो तुम्हें एक पनिशमेंट दिया जाएगा। अब हमें वही बहुत ही खूबसूरत हंटर यानी कि शी हो उन, शायद यही नाम था उसका, उसे दिखाया जाता है जो उसी बंदे के साथ बातें कर रहा होता है जो इस हीरो एकेडमी की मालिक है, मतलब जो इस हीरो एकेडमी को चला रहा होता है। इन दोनों के बीच की बातें इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कहीं पर एक सड़क के बीचों बीच एक पोर्टल खुल जाता है जिस वजह से वहां पर थोड़ा बहुत एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं, और वहां पर मौजूद सभी लोग खड़े होकर घूर घूर के उस पोर्टल को देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम सांग को देखते हैं जो उस क्वेस्ट की परवाह ना करते हुए बेड पर सोया हुआ है, और तभी अचानक उस क्वेस्ट की टाइम खत्म हो जाता है जिस वजह से अचानक वहां पर अर्थक्वेक टाइप का कुछ होने लगता है, और सांग तुरंत ही एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है जहां पर चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत था। तो डिजर्ट के अंदर पहुंचकर सांग जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने पीछे एक बहुत ही बड़ी जायंट डिजर्ट सेंटीपीड को देखता है, और ये सेंटीपीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होता है जो देखकर सांग की तो एकदम फटके चार हो जाता है, और वो सोचता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल में था, मैं यहां पर कैसे आ गया। और तभी उसके सामने एक पॉपअप विंडो आता है जहां पर ये कहा गया था कि तुम्हें 4 घंटे तक यहां पर सर्वाइव करना पड़ेगा, जो देखकर सांग की तो हालत खराब हो जाता है, और वो वहां पर उस जायंट सेंटीपीड को देखकर भागने लगता है बहुत ही बुरी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए, और वो सेंटीपीड भी उसके पीछे बहुत ही बुरी तरीके से भाग रहा होता है, और देखते ही देखते 1 आवर स्पेंड हो जाता है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सांग को अपने बेड पे ना पाकर बहुत सारे नर्स बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि सांग कहां पर है, और सभी लोग मिलकर सांग को बहुत ही बुरी तरीके से ढूंढने लगते हैं। और दूसरी तरफ सांग कुत्तों की तरह दौड़ रहा होता है, बल्कि कुत्ते से भी ज्यादा बेहतरीन दौड़ रहा होता है, और दौड़ते दौड़ते आखिरकार वो टाइमर खत्म हो जाता है, और सांग अचानक से अपने हॉस्पिटल रूम में आके गिरता है, और वो बहुत ही बुरी तरीके से हांफने लगता है। अब सांग को दोबारा से एक पॉपअप विंडो दिखता है जहां पर उसे ये दिखाई पड़ता है कि उसका डेली क्वेस्ट खत्म हो चुका है, मतलब सर्वाइवल वाला क्वेस्ट खत्म हो चुका है, और वो ये देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब दूसरी सुबह हम देखते हैं कि सांग रेडी होकर दौड़ने के लिए चला जाता है, नहीं तो उसे भी पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है यानी कि पेनल्टी क्वेस्ट। इस तरफ जेनी को भी सांग के बारे में पता चल जाता है कि सांग अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में है, तो जेनी सांग के साथ मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में चला जाता है। लेकिन जब जेनी हॉस्पिटल में पहुंचता है तब वो देखता है कि सांग सुबह सुबह उठकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब दौड़ रहा होता है, जो देखकर जेनी बहुत ज्यादा इमोशनल या फिर आई डोंट नो वो कैसा फील करता है, लेकिन वो उसे देखकर वहां से चुपचाप निकल जाता है, सांग के साथ मिलता भी नहीं, पता नहीं क्यों किया इसने ऐसा। तो दौड़ना खत्म होने के बाद सांग अपनी पॉइंट और एक्सपी चेक करता है, मतलब यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल पूरी तरीके से गेम की तरह काम कर रहा था, मतलब गेम में जो कैरेक्टर वगैरह होता है उसी तरीके से ये बंदा काम कर रहा था, ऐसा मानो कि वो एक गेम के अंदर ही है। तो सांग अपनी 2 XP लगाता है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, और वो उस स्ट्रेंथ को फील भी करता है, और वो ये सब कुछ देख रहा होता है और अपने ही मन में अपने साथ बातें कर रहा होता है, और वो बोलता है कि ये सब कुछ बिल्कुल एकदम गेम की तरह है, और उसकी ये सब बातें वहां पर मौजूद सभी बंदे सुन लेते हैं, और वो लोग उसकी तरफ बहुत ही अजीब नजर से देखते हैं, मतलब ये समझ लो कि वो लोग ये सोच रहे थे कि ये बंदा शायद मेंटल है, और यहाँ पर एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तो सांग अपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद अपने हॉस्पिटल रूम में चला आता है, और वहां पर बैठकर एक सेब खा रहा होता है, और सेब खाते खाते अपने हाथ में एक गिफ्ट देखता है, और ये गिफ्ट और कोई नहीं बल्कि उस गेम ने दिया था, मतलब डेली क्वेस्ट करने की वजह से उसे एक गिफ्ट मिलता है, और ये गिफ्ट अपने आप ही खुल जाता है जिसके अंदर से एक आग का गोला निकलता है, और वो आग का गोला एक चाबी में कन्वर्ट हो जाता है और आके सांग के हाथ में गिर जाता है, और सांग ये सोचता है कि ये चाबी आखिर है किस चीज का। अब अचानक से यहाँ पर हमें दोबारा से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे सांग की मॉम बीमार पड़ गई थी, और सांग के हंटर होने की कहानी भी दिखाया जाता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सांग एक मेट्रो सबवे की गेट के सामने आता है, और गेट के सामने आते ही सांग अपनी पॉकेट से उस चाबी को निकालता है जिस वजह से वहां पर अचानक से एक लॉक प्रकट हो जाता है, और सांग उस चाबी को उस लॉक के अंदर घुसाकर घुमा देता है जिस वजह से वहां पर मौजूद डेंजन का दरवाजा खुल जाता है, और सांग उसके अंदर चला जाता है, और सांग उसके अंदर जाते ही पीछे मौजूद दरवाजा अचानक से बंद होने लगता है, और सांग सोचता है कि यहां से मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि उसके पास से एक लड़की गुजर जाती है, और यहां पर सांग को यह पता चलता है कि मैं इसी जगह पर हूं लेकिन एक अलग डायमेंशन में, यानी कि पृथ्वी की कोई भी उसे देख नहीं सकता। तो सांग अब सोचता है कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर मौजूद बीस्ट को मारने के अलावा, तो वो धीरे धीरे करके उस डेंजन के अंदर जाने लगता है। तो डेंजन के
अंदर थोड़ी दूर जाते ही उसके ऊपर तीन गॉब्लिन हमला कर देता है, जो देखकर सांग बहुत ज्यादा पैनिक्ड हो जाता है क्योंकि सांग के इसके पहले के एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन इस बार जब वो गॉब्लिन सांग के ऊपर हमला करता है तब सांग बहुत ही इजीली उन गॉब्लिन से बच जाता है और जैसे तैसे करके मतलब बहुत ही इजीली उन गॉब्लिन को भी मार गिराता है। और सभी के सभी गॉब्लिन्स को मारने के बाद संग बोलता है कि तो मैं स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ। लेकिन तभी अचानक उसके सामने से एक उल्फ आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसका जबड़ा स्टेनलेस स्टील का था और जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से सांग के हाथ में जो चाकू था उसे तोड़ देता है। और उसकी चाकू को तोड़ने के बाद वो उल्फ सांग की तरफ इतनी बुरी तरीके से इतनी खौफनाक तरीके से देखता है कि सांग की दोनों टांगे थरथराने लगते हैं डर के मारे। तभी अचानक वो उल्फ दोबारा से सांग के ऊपर हमला कर देता है और उसके मुंह में एक चीर लगा देता है, मतलब कट लगा देता है। और इस कट के वजह से सांग को यह याद आता है कि उसके पास कोई हीलर भी नहीं है, यानी कि सांग अगर यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है तो उसे कोई हील भी नहीं कर पाएगा और उसकी यहाँ पर मौत पक्की होगी। और इसी डर के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो भी जरूर बताना, ठीक है ना। तो इस एनिमे सीरीज की ऑलरेडी 6 एपिसोड्स लॉन्च हो चुके हैं जो मैं एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत दिनों तक मैं एनिमे एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा था। अभी भी मेरे थोड़े बहुत एग्जाम्स बाकी है लेकिन वो सब प्रैक्टिकल्स है, ठीक है ना, तो वो सब कुछ मैनेज हो सकता है। तो मैं थोड़ा सा मेहनत करके इस चैनल को ग्रो करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना मेरे को, ठीक है ना। तो अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।